Welcome you all. Today we are going to start a chapter number 2, that is nutrition in animals. Last chapter में हमने पढ़ा था nutrition क्या होता है, कैसे वो हमारी body को growth provide करता है, क्यों हमारी body के लिए इतना important होता है nutrition. इस chapter में हम पढ़ेंगे various steps जो involve हो जाते हैं nutrition के लिए, मतलब हमारी body को nutrition मिले उसमें कौन कौन से steps involve हो जाते हैं. अब बॉडी को न्यूट्रिशन मिले उसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बॉडी में न्यूट्रिशन तब जाएगा जब आप उस खाने को अपने माउथ में लोगे. तो यही स्टेप कि खाने को आप अपने माउथ तक लेके जाओ, इसी स्टेप को बोलते हैं हम इंजेशन. अब हम आप अपने माउथ में फूड को लेके जाओगे और क्या होगा, ईसोफेगस के थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ प्रोवाइड करेगा और अल्टीमेटली हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा. सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब है ठीक है आपने माउथ में अपना फूड लिया और वो ईसोफेगस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला गया, लेकिन खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होना चाहिए. खाना अगर हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, डिफरेंट जो डिसीजेज हैं वो आपकी बॉडी को लग सकते हैं. अब वेरियस ऑर्गन्स है बॉडी के जो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हेल्प करता है, लार्ज इंटेस्टाइन है वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और फिर अल्टीमेटली किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है. थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब है ठीक है आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट भी हो गया. अब डाइजेस्ट का मतलब यह है कि अच्छे से खाना आपकी बॉडी में सेव होना चाहिए एक किस्म से. तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं वो बॉडी को लगना स्टार्ट हो जाएगी, वो बॉडी को मिलना स्टार्ट हो जाएगी. ये सारा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन में. नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब है जो फूड हमने खाया है वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करे और हमारी बॉडी को ग्रोथ भी प्रोवाइड करे, वो स्टेप आता है एसिमिलेशन. नेक्स्ट आता है इजेशन. इजेशन का मतलब है हमारी बॉडी में खाना ठीक है हमने डाइजेस्ट कर लिया, सब कुछ हमारी बॉडी में हो गया, जो वेस्ट मटीरियल हमारी बॉडी में बने हैं उसका रिमूव होना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारी बॉडी में डिसीजेज कोज करेंगे. तो उसमें हेल्प कौन करता है बॉडी से रिमूव करने में वेस्ट मटीरियल्स को? किडनी. This is it. Thank you so much.